ये हैं शाहरुख खान भाई, जिन्होंने मझरा पूरब रेलवे स्टेशन से बहराइच मेलानी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। शाहरुख खान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, ये दुआ है हमारी। आप लोगों के लिए आज बहुत ज़रूरी खबर लेकर आए हैं, मेलानी बहराइच रूट पर चलने वाली ट्रेनों से संबंधित। इसके अलावा बहराइच से नेपालगंज रोड के बीच में भी जो ट्रेनें चलती हैं उससे भी संबंधित। तो फिलहाल कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि वीडियो छोटा है और जानकारी थोड़ी लंबी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन के बारे में, 053/20/19, जो कि मेलानी से बिछिया के बीच में चलती है अनारक्षित विशेष गाड़ी, जो सप्ताह में 3 दिन ही चला करती है, शनिवार, रविवार और सोमवार को। लेकिन अब इसको 2 ही दिन कर दिया गया है, 9 जुलाई 2022 से ये ट्रेन केवल सप्ताह में 2 दिन चला करेगी, शनिवार एवं रविवार को, वो भी मेलानी से सुबह 7 बजे के बजाय सुबह 6 बजे ही प्रस्थान कर दिया करेगी। और बिछिया रेलवे स्टेशन पर सुबह 10:05 पर पहुंच जाया करेगी। वापसी में यही ट्रेन यानी कि 053/19 9 जुलाई 2022 से प्रत्येक शनिवार और रविवार को पिछिया से 11:30 बजे प्रस्थान कर जाएगी और 3:30 बजे मेलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। तो टोटल इसमें 10 कोचेज लगा करेंगे, जिसमें से 2 विस्टाडोम कोच वाले कोचेज होंगे और 1 पावर कार, बाकी जो 7 होंगे वो अनारक्षित स्पेशल ट्रेन होंगे। अब बात कर लेते हैं मेलानी से बहराइच के बीच में एक नई ट्रेन का संचालन भी शुरू हुआ है, उसका नंबर भी हम आप लोगों को बता देते हैं, ये ट्रेन कब से शुरू होगी। तो एक नई ट्रेन का जो संचालन शुरू होगा मेलानी से बहराइच के बीच में अनारक्षित विशेष गाड़ी का, उसका ट्रेन नंबर होगा 053/56/55। मेलानी से बहराइच के बीच में चलने वाली 053/56 होगी और वहीं बहराइच से मेलानी के बीच में 053/55 ट्रेन नंबर। तो 5 जुलाई से 30 सितंबर 2022 तक इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में काफ़ी भीड़ है। ये जो सामने आप लोगों के ट्रेन जा रही है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लोगों को जगह नहीं मिल रही है, और मेरे ख्याल से इसी वजह से जो ये स्पेशल ट्रेन है इसका संचालन शुरू किया गया है। 053/55/56 नंबर की ट्रेन जो नई ट्रेन है मेलानी से बहराइच के बीच में संचालित होगी। मेलानी से 053/56 नंबर की ट्रेन सुबह 7:20 पर रवाना होगी और वहीं 053/55 नंबर की जो ट्रेन है वो बहराइच से सुबह 10 बजे के करीब में मेलानी के लिए रवाना होगी। तो कुछ इस तरह से ये शेड्यूल बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी और ट्रेनों के बारे में बहराइच से नेपालगंज के बीच में भी। तो काफ़ी ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है, खासतौर से मेलानी बहराइच के बीच में चलने वाली ट्रेनों में और बहराइच से नेपालगंज रोड के बीच में भी। तो बरसात भर तक आप ये मान के चल सकते हैं कि बहराइच से नेपालगंज रोड के बीच में ग्रेज कन्वर्जन का काम नहीं चलेगा। उसके बाद यानी कि 30 सितंबर 2022 के बाद भले ग्रेज कन्वर्जन का काम बहराइच से नेपालगंज रोड के बीच में शुरू कर दिया जाए। तो देखना होगा कि गेज कन्वर्जन से संबंधित काम कब तक शुरू होगा या अगले साल शुरू होगा, क्योंकि टारगेट जो रखा गया था वो मार्च 2024 रखा गया था बहराइच से नेपालगंज रोड के बीच में। तो फिलहाल जो भी समय में परिवर्तन हुआ है उस चीज़ को मैं अपनी कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहाँ से आराम से देख लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा कि कौन सी ट्रेन के समय में कितना परिवर्तन किया गया है और कहाँ कहाँ पर कितने बजे पहुँचा करेगी। मेरे ख्याल से जो भी परिवर्तन हुआ है, चाहे वो बहराइच से नेपालगंज रोड के बीच में हो या खास तौर से मेलानी से बहराइच के बीच में, तो मेलानी से बहराइच के बीच में जो भी परिवर्तन किया गया है वो खास तौर से सही नहीं है। कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाते कि जिससे कि ट्रेनों में जो भीड़ है वो भी आसानी से नियंत्रित हो जाती, लोगों को यात्रा करने का मौका भी मिलता, और दूसरी बात ये भी थोड़े से अंतराल में ट्रेनों का संचालन शुरू होना चाहिए था। अब 6:20 पर एक ट्रेन होगी, 7:20 पर दूसरी ट्रेन होगी, तीसरी ट्रेन 9 बजे के करीब में होगी,
तो आस ही पड़ोस में है, दिन में कोई ट्रेन ही नहीं है, तो दोपहर में भी एक ट्रेन होनी चाहिए थी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, जय